एसएन मेडिकल कॉलेज की सी न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाई जा रही खबरों का संज्ञान एसएन प्रशासन ने लिया है। एसएन प्रशासन जल्द ही ओपीडी कॉम्प्लेक्स में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन की व्यवस्थाएं पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर शुरू करेगा, साथ ही माइक्रोबायोलॉजी के कुछ जांच भी ओपीडी कॉम्प्लेक्स में मरीजों के लिए कराई जाएगी। एसएन मेडिकल कॉलेज जितना ही पुराना है और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर दूर दराज के मरीज यहाँ पर दिखाने के लिए आते हैं और 2 से 3 हज़ार की रोज़ की ओपीडी यहाँ पर होती है। हमारे साथ ब्रजेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर ये बताइए कि जो अक्सर हम देखते हैं और सुबह से ही भीड़ लग जाती है, तो अलग अलग काउंटर भी बनाए गए हैं, फिर भी फिर अलग इतनी भीड़ क्यों यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है? जो एक्चुअली क्या है कि जब से हमारी ओपीडी का नंबर बढ़ा है पेशेंट्स का, तब से इन्वेस्टिगेशन का नंबर बढ़ गया है। अब इन्वेस्टिगेशन का नंबर बढ़ने के बाद में क्या है कि एक पेशेंट को डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के इन्वेस्टिगेशन अलग अलग होते हैं, तो जो बिलिंग काउंटर है, बिलिंग काउंटर हमारे पास कम है क्योंकि ये पहले के हिसाब से है। तो अभी हमने ये प्लान किया है कि हम बिलिंग काउंटर को 3 और बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि मरीज को लंबी लाइन ना लगानी पड़े, इमीडिएटली उसकी बिलिंग हो जाए। और इधर हम 2 काउंटर और एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं ब्लड सैंपल विड्रॉ करने के लिए, तो जो मरीज का जो वेटिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है वो एकदम से कम हो जाए। सर ये तो व्यवस्था आप सही कर रहे हैं, पर एक्चुअली जब यहाँ जब लाइनें लगती हैं तो पुरुष और महिला एक ही लाइन में लगते हैं, और अक्सर मरीजों का कहना है कि जब महिला लाइन में लगी होती है कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो मतलब नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। मैं कोशिश करता हूँ कि महिला और पुरुषों की लाइन अलग हो, और उसके अलावा मैं एक ये भी प्रयास कर रहा हूँ कि सीनियर सिटीजन का काउंटर अलग से बन जाए, जिससे कि जो बुज़ुर्ग लोग आएँ उनको दिक्कत ना हो। महिला पुरुष वाला आपका सजेशन भी अच्छा है, पहले हमने किया भी था लेकिन चूँकि वो हमारे कहने के बाद भी कम्बाइंड एक लाइन में चले जाते हैं, लेकिन हम फिर कोशिश करते हैं कि स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करें, महिलाएँ अलग रहें पुरुष अलग रहें। लोग आते हैं क्योंकि बहुत गरीब तबके से आते हैं, ना कुछ पता नहीं होता है, लाइन में खड़े रहते हैं, कभी कभी इन लोग बेचारों की जेब भी कट जाती है। सर हम कई बार हमें सुनने को मिलता है कि 50-100 रुपये वो लेके आए थे, घर से चले थे और वो भीड़ के चक्कर में वो किसी ने वो 50-100 रुपये भी निकाल लिए, किसी ने पार कर दिए। तो ये आपकी नहीं, ये मैं समझता हूँ सर ये काम एसएन प्रशासन का नहीं कि चोरी भी रोकेगा, पर ऐसी थोड़ी सी व्यवस्था बढ़ जाएगी, लोग दूर दूर खड़े हों ऐसी, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड भी आपके लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर व्यवस्था है। एक्चुअली कोविड टाइम में तो डर था इसलिए लोग खुद से दूर खड़े होते थे, लेकिन अभी मुश्किल ये हो गई है कि आप कितना भी कर लीजिए, अच्छा चाहे वो महिला और पुरुष की अलग अलग लाइन हो, जेब तो महिला केवल महिला की लाइन में भी कट सकती है, केवल पुरुष की भी कट सकती है। ये तो देखिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिविक सेंस है आदमी के अंदर खुद होना चाहिए, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपका सजेशन पे कि हम पहले की तरह फिर व्यवस्था को वही लागू करें स्ट्रिक्टली कि महिला अलग हों पुरुष अलग हों, सीनियर सिटीजन की भी एक लाइन और बनवाएं, हम तीनों लाइन अलग से बनवा दें। हमारा बेसिक उद्देश्य है कि वेटिंग टाइम कम हो। आप खुद सोचिए अगर वेटिंग टाइम कम होगा तो किसी की भी जेब कटने का भी अंदेशा कम हो जाएगा, क्योंकि आएगा खट से अपना काम कराएगा चला जाएगा, तो अपने आप कम हो जाएगा। लगातार देख रहे हैं सर ओपीडी कॉम्प्लेक्स में जो बड़ी सुविधाएं की गई हैं, एक्सरे की सबसे अच्छी सुविधा यहाँ पर की, क्योंकि पहले वो रेडियोलॉजी में जाके करानी पड़ती थी, अब एक ही छत के नीचे उसको वो मिल रही है। पैथोलॉजी की सुविधा आप लोगों ने शुरू की यहाँ पर, तो और क्या सर भविष्य में प्लान है कि आपको जी और मरीजों को जो वेटिंग टाइम कम हो और लगे और वो तुरंत मरीज निकल जाए इलाज? वेटिंग टाइम कम होने के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हम करने जा रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की कुछ जाँचों के लिए मरीज को आज भी दूसरी जगह बिल्डिंग में जाना पड़ता है जहाँ डिपार्टमेंट है, इसीलिए यहाँ पर पूरी टीम आई हुई है। प्रधानाचार्य जी ने एक टीम बनाई है कि आप लोग इसको भी यहाँ कराएं, तो बहुत जल्दी मतलब विद इन वीक और 10 डेज माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की जो स्पेशल जांचें हैं उनके लिए भी हमारा यहीं पे इंतजाम हो जाएगा। मरीज यहाँ आएगा, उसको किसी जांच के लिए अलग नहीं जाना पड़ेगा, कोई किसी डिपार्टमेंट के अलग वाले सैंपल के लिए उसको परेशान नहीं होना पड़ेगा, एक ही जगह सैंपल विड्रॉ होगा, वहीं से अलग अलग सबका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और चला जाएगा, और यहीं से सब जगह की रिपोर्ट मिल जाएगी, मरीज को किसी दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। कुछ मरीजों की यहाँ शिकायतें हैं कि मतलब दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, और हमने देखा भी है कि मतलब दवाइयाँ रखी भी होती हैं पर वो दवाइयाँ मरीजों को नहीं मिल पाती हैं, किसी दर्द किट हुआ है, कैल्शियम है, वो दर्द जो दर्द की गोलियाँ हैं उपलब्ध होने के बाद भी मरीजों को नहीं मिल पाती हैं, पर्चियाँ रख ली जाती हैं, उनसे कहा जाता है कि ख़त्म हो गई हैं, और जबकि स्टोर में अवेलेबल है और उनके पास भी अवेलेबल है। देखिए वैसे ऐसा है तो मैं इसे चेक करवाऊँगा, क्योंकि दवाइयाँ हमारे पास ऑलमोस्ट सारी तरीके की उपलब्ध हैं, शासन ने जो आदेश दिए हैं उनके अनुसार, बल्कि उनसे थोड़ा बहुत हम ज़्यादा ही देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं अपने जो प्रभारी हैं उनसे बात करूंगा कि भाई पर्ची और दवाई दोनों होने के बाद दवाई क्यों नहीं दी जा रही है, और ऐसा है तो जो भी संबंधित लोग हैं उनसे बुला के पूछताछ होगी भाई आप क्यों नहीं दवाई दे रहे हैं। लगातार एसएन व्यवस्था जो कॉलेज में लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, लगातार जो एसएन के प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं, लगातार भ्रमण भी करते हैं कि जो कि मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए और क्या अच्छी सुविधा की जाए,
और लगातार बिल्कुल उन्हें सही कहा कि जिस तरह जरूरत तो मरीजों की बढ़ती चली जाएंगी उस तरह व्यवस्था में और सुधार किया जाएगा। कैमरामैन जीत के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़, आगरा।